हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ इस अमेजिंग से दिखने वाले वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। चलिए बिना वेस्ट के बनाते हैं ये पुलाव। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जीरा। फ्लेम को रखेंगे मीडियम पे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने। काली मिर्च को अच्छे से पॉप कर लेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इस सब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज का प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ। चलिए अब प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक हम पकाएंगे। फ्लेम को हाई कर लेंगे तो ये इजीली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसमें हम एक छोटा सा टमाटर कट करके डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर ज्यादा भी डाल सकते हैं। इन सभी को हल्का सा कुक कर लेंगे। जब टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसमें ऐड करेंगे 1 इंच जिंजर घिसा हुआ। अब इन सबको फिर से हम चला लेंगे। तो हमारा तड़का रेडी हो चुका है। आइए इसमें ऐड करते हैं वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप हरी मटर, साथ ही 2 छोटे साइज के गाजर, ये भी 1/4 कप है, और हम डालेंगे 1/2 कप बीन्स। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड करें। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जेस्ट, इससे आपके राइस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे। इन सब्जियों को हम 80% तक ही पकाएंगे, जिससे कि जब हम इन्हें चावल के साथ पकाएं तो ये ओवर कुक ना हो जाए। तो फिलहाल हमें इसे 80% तक कुक रहने देना है। तो ये लगभग हो चुकी हैं। आइए इसमें राइस ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बासमती राइस, जिसे धोकर भिगो के रखा हुआ था। इसे ऐड कर लेंगे हमारे वेजिटेबल्स में और इसे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से चला लेंगे। सब्जी और राइस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आइए इसमें ऐड करते हैं पानी। तो 1.5 कप चावल के लिए हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी, यानी कि चावल की क्वांटिटी का दुगना पानी हमें इसमें ऐड करना है। पानी डालने के बाद हम राइस को सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सिर्फ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। अब ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, जितना आप चाहें उतना, और साथ ही डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। तो ये वेजिटेबल पुलाव है, इसमें राइस और सब्जियों का टेस्ट आना चाहिए, ना कि मसालों का। इसलिए हमने इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं या फिर और कोई स्पाइसेस जैसे कि मैगी मसाला, उसे भी आप डाल सकते हैं। तो बस अच्छे से चला लेंगे और अब हमें इसे एक बॉईल आने के बाद ढकना है। अब ढक कर हम इसे लगभग 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन हटा लें। बस आपके चावल बनकर रेडी हैं। इसे हल्का सा मिक्स कर लें। 15 मिनट के दौरान आप अपने राइस को चेक ज़रूर करते रहें। अगर पानी सूख जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से इसे ढक दें। लेकिन अगर आप सारे स्टेप फॉलो करके ये पुलाव बनाते हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आपका पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। तो ऐसे खिला खिला पुलाव बनाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। तो हम इसे सर्व कर लेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं रायते के साथ और सैलेड के साथ। ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। राइस सर्व करने के बाद इसे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती से गार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा वेजिटेबल लोडेड रंग बिरंगा पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।